सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आपके पास उपस्थित हुए हैं और आज जो है महामैराथन, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, एक चैप्टर एक दिन, मतलब कि आज जो है जितनी भी देर क्लास चलती है आपकी, लमसम 2 घंटे मान के चलिए, उसमें आपकी जो है महामैराथन क्लास चलाई जा रही है। जो ये इसमें आपको एक प्रकार से रिवीजन, और वो भी बेसिक से और पूरा मतलब विस्तार से आपको बताया जाएगा कि अगर अभी तक आप रीजनिंग नहीं पढ़े हैं तब भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। पिछला वीडियो हमने डाला डायरेक्शन का, ठीक, उसी के बाद अगला टॉपिक जो मैं बता रहा हूं वो आपका रहेगा क्लॉक, क्लॉक के बाद अगला टॉपिक कैलेंडर। तो एक एक करके मैं वो सारे टॉपिक आपके कराऊंगा जितने भी परीक्षा से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपका केवल काम ये है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने सर का सपोर्ट करें और इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा बताएं कि सर हाँ मजा आ गया, बहुत अच्छा गया, क्या कैसे। तो उसको आप कमेंट करेंगे तो हमको और अच्छा लगेगा। और आज के समय में एक गुरु की गुरु दक्षिणा यही होती है कि आप अपने टीचर का सम्मान करें और अपने टीचर को सपोर्ट करें, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करेंगे तभी जो है हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। हमारी सारी क्लासेस कहीं भर आप कहीं भी देखें, जहां पर पैसा लेकर के पढ़ाते हैं, अगर इससे ज्यादा टॉपिक करा दे तो बताइएगा, मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। जितना मैं कराता हूं इससे ज्यादा कोई भी कहीं भी पढ़ाएगा नहीं, चाहे वो आप पैसा देकर के पढ़े और चाहे कहीं और पढ़े। तो इसके लिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो आप इसको शेयर करें, ठीक। तो चलिए बने रहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्लॉक। आज हम क्लॉक पूरा पढ़ेंगे। क्लॉक जो मेन प्रश्न बनता है वो 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं और किसी किसी में इसी को पार्ट डिवाइड करके 4 पार्ट में बना दिया गया है। टाइप 1 में जो आपका रहेगा, टाइप 1 में आपका मिरर वाला रहेगा, ठीक। इसमें आपके 2 प्रकार के मिरर रहेंगे, एक ऊर्ध्वाधर मिरर और एक आपका क्षैतिज मिरर, ठीक। जिसमें आपका ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरह रहेगा और 36 का मतलब इस तरह रहेगा, ठीक। तो एक तो इस पे आपका प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न आपका रहेगा कोण ज्ञात करना, ठीक। और तीसरा प्रश्न आपका रहेगा खराब घड़ी, और चौथा आपका रहेगा, ठीक। ये 4 टाइप आपके इसमें बने हैं और मैं गारंटी करता हूं कि आप उतनी देर बने रहिए जितनी देर मैं बता रहा हूं। अगर आप इतनी देर बने रहेंगे तो आज के बाद घड़ी में या इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूं। केवल आप प्रश्न देखते ही उत्तर बता देंगे, कलम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने आसान तरीके से मैं बताऊंगा, न यकीन हो तो आप 2 मिनट देकर के देखिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप 1। आज हमको यही इतना टॉपिक पढ़ना है, इसमें आज हम पहले पढ़ेंगे पहला टॉपिक टाइप 1 में आपका रहेगा मिरर। टाइप 1 में आपका मिरर वाला रहेगा। एक चीज आप याद रखिए, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2,
10:05 मैंने इसमें बजा दिया, आपकी क्लास 11 बजे चल रही है, ये घड़ी आपकी एक घंटा पीछे है। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे क्लॉक, आखिर क्लॉक है क्या। ये बताइए ये घड़ी आपको दिख रही है, यहीं पर अगर अभी मैं मिरर लगा दूं, क्या लगा दूं, यहीं पर अगर अभी मैं मिरर लगा दूं तो आप क्या देखेंगे। केवल आप एक प्रश्न समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना बताए आप सब सीख जाएंगे। देखिए चूंकि हमको पता है कि मिरर वाले में जो नजदीक का रहेगा वो नजदीक रहेगा, मतलब कि अब हम देख रहे हैं इधर नजदीक, भाई 12 हमारा यही है, ठीक। अब इसके देख रहे 12 के बगल एक है ना, तो जो यहाँ पे है वो यहाँ हो जाएगा और जो यहाँ है वो यहाँ, मतलब जो बड़ी सुई है, जहां आपकी बड़ी सुई है वहां छोटी सुई पहुंच जाएगी, जहां आपकी छोटी सुई है वहां बड़ी सुई पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक पे आपका छोटी सुई पहुंच जाएगी और 10 पे आपका बड़ी सुई पहुंच जाएगी, ठीक। तो इसका जब आप मिरर बनाएंगे, अर्थात इसका जब आप मिरर इमेज निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ये आप देख रही है कि इसके मिरर में क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि जो आपका एक अर्थात जो छोटी वाली सुई जहां पे रहेगी वहां बड़ी वाली सुई आ जाएगी, जहां बड़ी वाली सुई रहेगी वहां छोटी वाली सुई आ जाएगी। करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं करना। जैसे अगर प्रश्न दे दिया जाए कि एक घड़ी में 6 बज रहे हैं, एक घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, एक घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, उसे मिरर में देखने पर कितना टाइम दिखाएगी, ठीक। एक घड़ी है जिसमें 6:20 हो रहे हैं, उसे अगर हम मिरर में देखें तो वो कितना समय दिखाएगी। अगर हम अभी यही बात करें, तो 6:20, तो 6:20 का मतलब ये हुआ कि जो आपकी घड़ी होगी वो आपका जो है 6:20 इस तरह से कहीं होगी। तो जब इसको आप बदलेंगे तो अर्थात जहां पे आपकी छोटी सुई है वहां पे बड़ी सुई पहुंचेगी और जहां पे आपकी बड़ी सुई है वहां छोटी सुई पहुंचेगी, मतलब कि ये आपका जो मतलब 6 के आगे वाली सुई है ये यहाँ 4 पे पहुंच जाएगी और जो मिनट वाली सुई है ये यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब 4:35 या 4:35 4:35 के आसपास होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए और मिरर इमेज निकालने के लिए कहा जाता है तो मिरर इमेज के लिए आप केवल एक चीज याद रखिए, मिरर इमेज के लिए आप 1160 में से घटा दीजिए, 1160 में से घटा दीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। कह रहा है एक घड़ी में 6:20 हो रहा है तो उसे मिरर में देखने पर कितना समय दिखाएगा। तो जब आप इसको मिरर में देखेंगे तो इसको 1160 में से घटा दीजिए 6:20, तो ये हो जाएगा 40 और 6:05 यानी कि ये आपका दिखाएगा कितना 5:40, ये आपको कितना दिखाएगा 5:40, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक घड़ी में 5:45 हो रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं, इसे मिरर में देखने पर कितना टाइम बताएगी, मिरर में देखने पर
कितना टाइम बताएगी, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल आप 1160 लिखिए, उसमें से 5 45 घटा दीजिए, तो 45 5 50 10 और 6 5 11, यानी कि 6:15 होगा। अगर आप मिरर में देखेंगे तो 6:15 आपका दिखाएगी, ठीक। तो ये तो है आपका कर्व जब आप मिरर में देखते हैं। जैसे एक प्रश्न अगर हम और ले लें, एक प्रश्न आपको और ले लें कि एक घड़ी में एक बज रहा है और उसे मिरर में देखने पर वह घड़ी कितना बजाएगी, मिरर में देखने पर वह घड़ी कितना बजाएगी, तो आप क्या करेंगे, 1160 में से एक घटा दीजिए, अर्थात 60, और 11 में से एक गए 10, इसका मतलब हुआ 10:60 या फिर 11, ठीक, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपका घड़ी में एक बज रहा है और उसे आप मिरर में देखेंगे तो आपका कितना बजाएगी, 11 बजाएगी। कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। कठिन प्रश्न सरल प्रश्नों के बाद बताए जाएंगे, सरल से कठिन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और एक एक पॉइंट आपको पूरा बताया जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, ये था आपका मिरर का प्रश्न। मिरर वाले में ये तो आपका जैसे अगर केवल यही इतना पूछ लिया जाता है कि एक घड़ी में 2 बज रहे हैं, ध्यान समझिएगा, प्रश्न समझिएगा, एक घड़ी में 2 बज रहे हैं तो मिरर में देखने पर वह घड़ी कितना बजाएगी, एक घड़ी में 2 बज रहे हैं तो मिरर में देखने पर वह कितना समय बताएगी। तो चाहे आप 1160 में से घटाइए, चाहे आप 12 में से घटाइए, तो जब इसको 12 में से घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, अर्थात वो कितना बजाएगी, 10 बजाएगी। एक प्रश्न मैं और बताता हूं कि जब आपका अगर केवल दर्पण में देखने पर पूछ लिया जाएगा तो आप यही तरह लगाएंगे, यही प्रश्न लगाएंगे, ठीक। अगर आपका कह देता है उसमें कि क्षैतिज दर्पण, ध्यान से समझिएगा, अगर केवल दर्पण आता है तब तो आप इसी तरह लगाएंगे, लेकिन अगर वही दर्पण की जहां पे पूछ लेता है क्षैतिज दर्पण तो प्रश्न चेंज हो जाएगा, अर्थात तब हम इस तरह नहीं करेंगे। अगर क्षैतिज दर्पण पूछ लेगा तो आपको 18:30 में से घटा देना है, याद रखिएगा, आपको 18:30 में से घटा देना है, ठीक। तो ऐसा हम क्यों करेंगे, 18:30 में से क्यों घटाएंगे, समझिएगा पहले ध्यान से। अगर प्रश्न बन जाए कि एक घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, एक घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, क्षैतिज दर्पण में उसे देखने पर वह घड़ी कितना समय बजाएगी, क्षैतिज दर्पण में उसे देखने पर वह घड़ी कितना समय बजाएगी। तो जब आप इसको क्षैतिज में देखेंगे तो आप क्या करिए, 18:30 में से घटा दीजिए, तो 18:30 में से जब घटाएंगे तो आप देख रहे हैं 18:30 में से नहीं घटेगा। अगर 18:30 में से न घटे तो 17:90 में से घटाइए। आप सोच रहे होंगे सर जी 17:90 कैसे हो गया, तो यहां से जब आप एक उधार लेके जाएंगे तो यहां से एक उधार ले जाएंगे तो 130 नहीं होगा, नहीं तो कुछ लोग 130 सोच रहे होंगे, क्योंकि घंटा हम लेके जा रहे हैं ना, घंटा लेके जाएंगे तो 60 मिनट जाएगा और ये 30 लिखा हुआ है, 60 मिनट इसमें जुड़ जाएगा तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 90 हो गया और 90 में से 40 गए 50 और यहाँ पे बचा 17, 17 में से 2 गए 15। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी 15 बज गया तो 15 कैसे बजेगा, तो आप कुछ नहीं, 12 में से जितना ज्यादा है उसको घटा दीजिए तो 3:50 यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको समझ में आया कि हमने 3:50 क्यों किया, ठीक, हमने 3:50 क्यों किया। जैसे इसी नियम का अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक घड़ी में चाहे आप क्षैतिज रखें और चाहे आप
उल्टी घड़ी रखें। अगर आप 36 रखेंगे तब भी आप 18:30 या 17:90 से घटाएंगे। अगर आप 36 रखेंगे तब भी आप 18:30 या 17:90 से घटाएंगे। अगर आपको ये दो शब्द नहीं दिया गया, अगर ये दो शब्द नहीं दिया गया तो आप सिर्फ 11:60 या 12 में से घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो इस नियम से ना लगे, याद रखिएगा। जैसे अगर प्रश्न कह दिया जाए कि, ध्यान से समझिएगा, अगर प्रश्न कह दिया जाए कि एक घड़ी में 4:40 हो रहा है, एक घड़ी में 4:40 हो रहा है, इसे 200वें दर्पण में देखने पर यह घड़ी कितना बजाएगी। ठीक, तो क्या कहना है समझिएगा। हमने क्या कहा कि जब आप दर्पण में बदलेंगे तो आप 12 में से या 11:60 मिनट से घटा देते हैं। तो मान लीजिए 4:40 हो रहा है, ठीक, 12 या 11:60 में से घटाना है हमको, तो 40:20:60 और 7:40:11, 7:20 होगा कब, पहले दर्पण में। फिर देखिए अगर आप इसी को दूसरे दर्पण में देखेंगे तब भी आपका 11:60 उसमें से 7:20 घटा देंगे तो हो जाएगा 40 और 4:40 हो जाएगा। ये आपका दूसरे दर्पण में है। फिर अगर आप तीसरे दर्पण में देखेंगे तो 11:60 और 4:40 घटा देंगे तो 20 और 7:20, ये आपका तीसरा दर्पण है। फिर आप चौथे दर्पण में से देखेंगे तो 11:60 में से 7:20 घटा देंगे तो आपका 4:40 आ जाएगा, ये आपका चौथा दर्पण है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पहले दर्पण में देखा हमने वही समय, दूसरे दर्पण में देखा बदल गया, तीसरे दर्पण में देखा फिर से वही समय, चौथे दर्पण में देखा फिर बदल गया। मतलब क्या देख रहे हैं कि अगर सम है, संख्या अगर सम है, दर्पण की संख्या अगर सम है तो जितना बज रहा है उतना ही बजेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने दो चीज बताया, क्या, अगर दर्पण की संख्या सम है, दर्पण की संख्या सम है तब जो समय दिया गया रहेगा वही समय दर्पण में दिखेगा। कब दिखेगा वही समय, जब हमको सम दिया रहे, दर्पणों की संख्या अगर आपको सम दी गई रहे तब जितना टाइम आपका बजा रहेगा वही टाइम आपको दर्पण में दिखेगा। लेकिन हम देख रहे हैं अगर संख्या विषम है, अगर संख्या विषम है तो हम क्या देख रहे हैं कि 11:60 में से घटाने के बाद जो प्राप्त हो रहा है वो मिलेगा। मतलब अगर सम रहेगा तो वही मिलेगा और अगर विषम रहेगा तो 11:60 में से घटाकर हमको उत्तर मिलेगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको लिख कर बताया कि अगर मैं प्रश्न पूछूं कि एक घड़ी में 3:30 हो रहा है, ध्यान समझिएगा, एक घड़ी में 3:30 हो रहा है, मैं लिख देता हूं, आप लोग इसका उत्तर बताइए कमेंट में जल्दी से। एक घड़ी में 3:30 हो रहा है, एक घड़ी में 3:30 हो रहा है तो इसे 100वें दर्पण में देखने पर यह घड़ी कितना समय बजाएगी, इसे 100वें दर्पण में देखने पर यह घड़ी कितना समय बताएगी, आप लोग इसका आंसर करिए जल्दी बताइए, मैं देख रहा हूं। हेलो मुकेश, मोहित, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट में आ जाइए और तुरंत आप कमेंट करना शुरू करिए। पंकज, आशीष, दिलीप, गुड मॉर्निंग, आपकी क्लासेस अब देरी चलेंगी, परेशान मत होइएगा। ठीक, तो ये चीज, इसका जब आप निकालेंगे तो हमने क्या कहा, 100वें दर्पण में, और हमने 100 का मतलब क्या हुआ, सम, और अगर सम आ जाएगा तो जितना बज रहा है उतना ही बजेगा, इसमें आपको कलम उठाने की जरूरत
नहीं है। अगर आपको यह कहता कि 99वें दर्पण में, 99वें दर्पण में मतलब कि विषम आ गया और विषम आ जाएगा तो 1160 में से एक बार घटा दीजिए, 1160 में से जब आप घटाएंगे तो 11 में से 3 घटाइए, 8 3 11 यानी 8:30 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका टाइप 1। मैं समझ लूंगा कि आपको टाइप 1 समझ में आ गया है। कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, जो बाद में वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करेंगे तो उनको भी बताया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो हमारा टाइप है, अगला टाइप है टाइप 2। टाइप 2 में हमको क्या ज्ञात करना है, टाइप 2 में हमको कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टाइप 2 में हमको कोण ज्ञात करना है। अच्छा ये बताइए भाई, यही घड़ी है हमारे पास, तो ये आपका हो जाएगा 6 3 12 9 10 11 1 2 4 5 7 8। अगर अभी मैं मिनट वाली सुई की बात करूं, अभी केवल मैं मिनट वाली सुई बना रहा हूं, देखिएगा ये आपकी मिनट वाली सुई और ये आपकी घंटी वाली सुई, दो सुई मैंने बना दिया। अच्छा ये बताइए, ये मिनट वाली सुई आपकी ऐसे ऐसे घूम के आएगी, एक चक्कर पूरा मिनट वाली सुई कितनी देर में लगाएगी बताइए आप लोग, एक चक्कर मिनट वाली सुई कितनी देर में लगाएगी भाई, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट 55 मिनट और 60 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मिनट वाली सुई है वो आपका 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, और एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर का मतलब हुआ कि 360 डिग्री। जो आपका मिनट वाली सुई है एक चक्कर में 360 अंश घूमेगी, एक चक्कर में 360 अंश घूमेगी, क्योंकि हमको पता है कि अगर कहीं इस तरह गोला बन जाता है तो वो आपका 360 अंश है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 अंश घूम रही है, तो एक मिनट में कितना घूमेगी बताइए, 360 अंश बटे 60 यानी कि 0 0 कट गया, 6 6 36, एक मिनट में 6 अंश आपकी चलेगी, कौन सी, मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 अंश घूमेगी। वही अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें, घंटे वाली सुई की अगर हम बात करें तो देखिए घंटे वाली सुई भी यहां से चलना स्टार्ट करेगी और फिर से यहां आएगी, कितनी देर में आएगी बताइए आप लोग, 12 घंटे में भाई, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा। घंटे वाली सुई जो है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगी, मतलब 12 आवर में एक चक्कर यानी 360 अंश घूमेगी आपकी, तो 12 घंटे में 360 अंश घूमेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में 12 3 36 30 अंश घूमेगी, और एक घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में आपका 30 अंश, तो एक मिनट में आपका 30/60 यानी कि 1/2 अंश। इसका मतलब यह हुआ कि मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 अंश घूमेगी और घंटे वाली सुई एक मिनट में 1/2 अंश घूमेगी। अगर हम इसी तरह सेकेंड वाली सुई की बात करें तो देखिए सेकेंड वाली सुई की अगर हम सेकेंड वाली सुई की बात करें तो सेकेंड वाली सुई भाई, चूंकि हमको पता है कि जब सेकेंड वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तब एक मिनट होता है, मतलब सेकेंड वाली सुई एक मिनट में
360 अंश घूमती है। ये आपका है कि तीनों सुइयां कितने अंश कितनी देर में घूमती है। अब एक चीज और समझिए, एक मिनट में घंटे व मिनट की सुई में अंतर, मतलब क्या हुआ कि अगर एक मिनट का समय मतलब क्या हुआ कि ये सेकंड वाली सुई आपकी 60 सेकंड घूम जाएगी तो एक मिनट हो जाएगा, तो जो आपकी मिनट वाली सुई है वो एक मिनट चल जाएगी। तो एक मिनट में मिनट वाली सुई कितनी घूम रही है, 6 अंश, और एक मिनट में जो आपकी घंटे वाली सुई है वो कितना घूम रही है, 1/2 अंश। तो जो आपका अंतर होगा वो अंतर हो जाएगा 6 अंश माइनस 1/2 अंश। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 सही 1/2 अंश। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक मिनट में घड़ी के घंटे और मिनट की सुई में जो गैप बनेगा वो 5.5 अंश का अंतर बनेगा। मतलब अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक मिनट में घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा, एक मिनट में घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का गैप कितना होगा, तब हम जो है कितना बताएंगे, 5.5 डिग्री बताएंगे। क्यों? क्योंकि एक मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 6 अंश चल रही है और एक मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो 0.5 अंश चल रही है। तो ये तरीका है आपका, ठीक। अब हम इस पर प्रश्न पर चर्चा करते हैं, ठीक। हाँ ठीक मोहित, आपका कमेंट मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं जब पढ़ाने लगता हूं तो इधर और स्क्रीन इधर है तो इसलिए आपका कमेंट दिख नहीं पाता है। तो कोई बात नहीं मोहित, कोई भी समस्या होगी तो मैं क्लास लेने के बाद जो है सभी के कमेंट देखता हूं, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर करा देता हूं, ठीक। तो मोहित बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए, अभी तक जितना बताया मैंने उसमें कोई समस्या तो नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग इसको शेयर करते रहिए, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी जो है गलती है, आपको करना चाहिए, क्योंकि जो है मैं आपके लिए अगर इतना कर रहा हूं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए कुछ तो करें ही, ठीक। तो चलिए हम लोग अच्छा प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। जैसे प्रश्न कह दिया जाए कि एक घड़ी में 2:40 हो रहा है, एक घड़ी में 2:40 हो रहा है, रुक जाइएगा, ठीक है, 2:40 हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए, ठीक। एक घड़ी में 2:40 हो रहा है, दोनों घड़ी के बीच का कोण बताइए। एक चीज आप देखिए, आप इसको तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बगैर फार्मूले के और एक फार्मूले के। तो पहले आप बिना फार्मूले का देख लीजिए, 9, 12, 3, 6, 4, 5, 1, 2, 11, 10, 8, 7 कह रहा है 2:40, मतलब 2:40, यही है आपका 2:40। अगर आप बिना उसके निकालिए तो चूंकि हम देख रहे हैं कि दोनों सुइयां हमारी कहां से चली होंगी, बताइए, दोनों सुई यहीं से चलना शुरू की, ठीक। अब देखिए, जो आपकी मिनट वाली सुई है वो यहां से यहां तक आ गई, अर्थात 8 तक चली, 1 से 8 तक, 8 मतलब 40 मिनट।
जो आपकी मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 40 मिनट चल रही है और एक मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो ये बताइए 40 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 6 चौक 24 यानी कि 240 अंश। ठीक, एक मिनट में 40 अंश का मतलब एक 40 मिनट तक चली है जो आपकी मिनट वाली सुई है। भाई यही से देख रहे हैं 2:40 मिनट ना, मतलब मिनट वाली सुई 40 मिनट चली है, 40 मिनट चली है और अभी अभी हमने बताया कि मिनट वाली जो सुई होती है वो एक मिनट में 6 अंश घूमती है, तो 40 मिनट में कितना घूमेगी? 40 × 6 यानी कि 240 अंश घूमेगी। फिर देखिए जो आपकी घंटे वाली सुई है ये कितना चली है, ये भी तो 40 मिनट चली है ना, घंटे वाली सुई भी तो 40 मिनट चली है और घंटे वाली सुई भी 40 मिनट चली है और एक मिनट में 1/2 अंश चल रही है, तो 40 मिनट में कितना चलेगी? तो 20 अंश चलेगी। तो दोनों के बीच का कोण, तो ये इतना 20 अंश है और ये इतना 240 अंश है, तो जब इसको घटा देंगे तो अर्थात दोनों के बीच का कोण कितना आ जाएगा? 220 अंश आ जाएगा। दोनों के बीच का कोण आपका कितना आ जाएगा? 220 अंश आ जाएगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, आइए इसको हम फार्मूले से देखते हैं। जब हम फार्मूले से देखेंगे तो हमारा फार्मूला होता है 60 × 11 × h डिफरेंस 60 × m/2। मतलब क्या हुआ, रुक जाइएगा, 60 × h डिफरेंस 11 × m/2। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस का मतलब है कि अगर आपका ये वाला ज्यादा रहेगा तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये वाला ज्यादा रहेगा तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं, 60 × 2 डिफरेंस 11 × 40/2, तो 6 × 12 = 120, 11 × 4 = 44/2। इसको जब आप घटा देंगे तो ये आपका 320/2 अर्थात 160 अंश। और अच्छा, तो 220, एक चीज देखिए, जब आप यहां से चलना शुरू कर रहे हैं तो यहां से घंटे वाली सुई यहां तक आई है अर्थात 2 घंटे ये चली है और 40 मिनट ये चली है, 2 घंटे 40 मिनट चली है और 2 घंटे का मतलब वो 6 × 12 = 120 मिनट और 40 वो तो 40 यानी कि 160 मिनट। जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 160 मिनट चली है और 160 का मतलब ये हुआ कि 2/16 = 80 इसको घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 160 अंश, यही आ जाएगा आंसर। तो चाहे आप इस तरह सॉल्व करिए और चाहे आप इस तरह सॉल्व करिए, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, कहीं भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे हम एक प्रश्न और लेते हैं इसी नियम से, एक घड़ी में 9:20 हो रहे हैं, 9:20 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 9:20 हो रहे हैं, 9:20 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच का समय, बीच का कोण कितना होगा? अब देखिए, जो आपकी घंटे वाली सुई है वो आपकी यहां से 9:20 चल चुकी है। 9:20 का मतलब क्या हुआ? अगर आप घंटे वाली सुई की बात करें तो 9:20, 9 घंटा का मतलब 9×6 = 54, 540 मिनट और 20 मिनट और अर्थात 560 मिनट और इंटू 1/2 अंश, तो ये हो जाएगा 2×2 = 4, 1×5 = 16, 2×8 = 16, 280 डिग्री आपकी घंटे वाली सुई चली है। और मिनट वाली की बात की जाए तो मिनट वाली आपकी 20 मिनट चली है और एक मिनट में 6 × 2 = 6×12 यानी कि 120 अंश, 120 अंश आपकी मिनट वाली चली है और 280 अंश आपकी घंटे वाली चली है। तो जब इसका डिफरेंस निकालेंगे दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो 60 और 1 यानी कि 160 अंश आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 160 अंश आएगा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो देखिएगा,
यहां से लेकर के यहां तक का जो आपका कोण है वो 280 है और यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण है वो 120 अंश है। तो अगर हमको इस बीच वाले का कोण निकालना रहेगा तो इस बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये था आपका मुहजवानी। मुहजवानी का मतलब कि जो आपका 9 घंटा 20 मिनट है डायरेक्ट इसको मिनट में बदल के 1/2 कर दीजिए और उसके बाद जो आपका मिनट है उसमें 6 से पूरा करके दोनों घटा दीजिए। ये तो तब था बिना कलम उठाए नॉर्मली आप लगा सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले का प्रयोग करें तो 11 × 9 ठीक 11H और डिफरेंस 60 × H डिफरेंस 11 × 20 बटे 2 तो 6 × 9 = 54 11 × 22 = 220 बटे 2। इसको जब आप घटाएंगे तो 20 और 3 × 2 = 5 320 बटे 2 यानी कि 160 अंश यही आ जाएगा आपका आंसर। किसी को कहीं भी समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी नियम से और इसको मैं मुहजवानी बताऊंगा फॉर्मूले से आप लोग कर लेंगे। 8:20 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो 8:20 8 का मतलब 8 घंटा 20 मिनट 8 घंटा मतलब 8 × 48 480 और 20 500 मिनट तो 500 मिनट का मतलब 1/2 मतलब 250 अंश और 20 मिनट का मतलब 2 × 6 = 12 120 अंश और जब इसको आप घटा देंगे तो 30 और 1 यानी कि आंसर आ जाएगा 130 अंश। आप लोग इसको फॉर्मूले से करके बताइएगा ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं जो इसमें का टाइप 2 में जो अगला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है। टाइप 2 में जो आपका अगला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है आगे देखिए। जैसे अगला प्रश्न जो बनता है टाइप 2 में रहेगा कि 2 और 3 बजे के बीच में 2 और 3 बजे के बीच में 2 और 3 बजे के बीच में 45 अंश का कोण कब बनेगा। 2 और 3 बजे के बीच में 45 अंश का कोण कब बनेगा। दो आंसर आते हैं आप याद रखिएगा। अगर जो है इसका आंसर जो है 60 से अधिक आएगा ठीक। अगर इसका आंसर 60 से अधिक आएगा तो वो आपका गलत रहेगा पहला चीज। दूसरा चीज अगर इसका आंसर निगेटिव आएगा तब भी वो आंसर गलत रहेगा नहीं लिया जाएगा। समझिएगा इसका आंसर 2 कैसे आएगा उसको देखिए। इसका जो फार्मूला है वो आपका 2/11 30H और माइनस थीटा 2/11 30H माइनस थीटा तो प्लस माइनस थीटा तो एक बार प्लस रहेगा एक बार माइनस रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर 2 कैसे हो गया। 2 का मतलब ये है कि एक कोण 2 बार बनता है। एक आपका आगे की तरफ बनेगा और एक आपका पीछे की तरफ बनेगा। जैसे आप देख लीजिए मान लीजिए यही बन रहा है तो एक कोण तो आपका ये नीचे वाला हो गया और एक कोण आपका ये पीछे वाला हो गया मतलब एक वाय कोण हो गया और एक अंतः कोण हो गया तो एक साथ में 2 कोण बनते हैं तो इसीलिए 2 कोण बनाया है हमने। अगर जो है अगर अब जैसे इसी में हमको मान रखना हो तो 2/11 30H का मतलब ये है कि आगे वाली वैल्यू या फिर जो आपकी छोटी वैल्यू रहेगी वही लिया जाएगा। तो 30 × 2 प्लस माइनस थीटा और थीटा आपका कोण है कितना है 45 अंश है तो एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार यही चीज माइनस हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/11 30 × 60 प्लस 45 यहां पे हो जाएगा 2/11 30 × 60 माइनस 45। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 40 60 100 105 105 × 2 = 10/11
और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो 45 5 50 10 60 यानी 15 दूनी 30 बटे 11 तो या फिर ये आपका हो जाएगा 11 दूनी 22 8 30 यानी कि 2 सही 8 बटे 11 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 10 21 100 11 99 19 सही 1 बटे 11। इसका मतलब कि 2 और 3 बजे के बीच में 45 अंश का कोण कब बनेगा तो एक बार बनेगा 2:19 सही 1:11 मिनट और एक बनेगा 2:02 सही 8:11 मिनट पर। ठीक, तो दो बार आपका जो है 45 अंश का कोण बनेगा। लगाने का तरीका आप देख लीजिए, 2:11 30 h, ठीक 30 h और प्लस माइनस 60। कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। कहीं भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। तो चलिए, जैसे एक प्रश्न अगर हम और ले लें, तब देखिए, अगर हम कह दें कि 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच 30 अंश का कोण कब बनेगा, कितने अंश का कोण, 30 अंश का कोण कब बनेगा, तो कुछ नहीं करना आपको, 2:11 30 h माइनस थीटा, तो 2:11 ठीक, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 30 × h का मान 5 और प्लस 30, एक तो ये हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा 2:11 30 × 5 माइनस 30। तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 3 × 15 = 150, 150 और 30 यानी कि 180, तो 18 × 36 यानी कि 360/11 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 × 15 150 में से 30 घटा देंगे 120 आ जाएगा, 120 × 240/11 तो 11 × 22 = 24 तो 20, 11 × 11 = 9 20 और एक आंसर हो जाएगा 11 × 33 = 36 और 11 × 22 = 38 यानी कि एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा, मतलब 5:32 8/11 5:32 = 8/11 मिनट और 5:21 = 9/11 मिनट पर दोनों के बीच का कोण जो होगा वो कितना होगा, 30 अंश होगा। कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और आपके सामने अगर ये पसीना निकल रहा है तो इसका फल जरूर मिलना चाहिए। शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें जो अगला टाइप बनता है वो आपका क्या बनता है समझिएगा। इसमें जो आपका अगला टाइप बनता है वो आपका टाइप क्या बनता है वो देखिए आप। कोण में ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां संपाती कब होंगी, संपाती कब होंगी। तीन विशेष स्थिति बनती है, पहला संपाती, दूसरा विपरीत और तीसरा संपूर्ण। मतलब दोनों सुइयां संपाती कब होती हैं, संपाती का मतलब अगर उनके बीच का जो कोण है वो 0 अंश है तो वो सुई संपाती कहलाती है। संपाती का मतलब जैसे ये मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई, देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना, तो वो संपाती है, मतलब दोनों के बीच का कोण अगर 0 अंश रहेगा तो वो संपाती रहेगी। विपरीत का मतलब अगर दोनों के बीच का कोण 180 अंश रहेगा तो वो आपका विपरीत रहेगा, अगर दोनों के बीच का कोण 90 अंश रहेगा तो वो आपका संपूर्ण रहेगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं, जो अभी हमने सॉल्व किया उसी पर आधारित है ये तीन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में अगर
क्लॉक से प्रश्न बनता है तो वो इस तीन में से जरूर प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। अगर क्लॉक से प्रश्न बनता है तो इन तीन में से जरूर प्रश्न बनता है। बैंकिंग में क्लॉक नहीं पूछा जाता, आप याद रखिएगा, बैंकिंग में क्लॉक से प्रश्न नहीं बनते हैं। तो चलिए हम आगे प्रश्न करते हैं। तो जैसे संपाति अगर बात की जाए, जैसे कहना संपाति कब होंगी, तो इसका मतलब कि हमको दिया गया है थीटा बराबर जीरो अंश। तो अब अगर थीटा बराबर जीरो अंश दिया गया है तो बस वही सॉल्व कर लीजिए आप, 2/11 यच 30 यच प्लस माइनस थीटा, और थीटा का मान अगर जीरो हो गया तो 30 इंटू आगे वाली गिनती दो, तो 30 गुना 60 गुना 120 बटे 11, 11 दहम में 120, 11 दहम में 110, तो 10 सही 10/11 यानी 2:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां संपाति होंगी। दो सही मतलब कि दस सही दस बटे ग्यारह मिनट पर दोनों सुइयां संपाति होंगी। अगर जैसे प्रश्न बन जाए, इसी तरह का एक प्रश्न अगर और बन जाए कि 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां संपाति कब होंगी, तो आप कुछ मत करिए, जो छोटा है उसको लिख दीजिए, जो छोटा है उसको लिख दीजिए, इंटू 30 लिख दीजिए, ठीक, 2/11 लिख करके जो छोटा है उतना इंटू 30 कर दीजिए, 4 × 8 = 24 यानी 240/11, 11 × 22 तो 20, और 11 × 11 = 20 तरीके 4:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। ये तो था कि दोनों सुइयां संपाती कब होंगी, और संपाती के लिए नियम है कि जीरो अंश। हाँ दीपक, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, वो मैं अभी बताऊंगा कि 12 घंटे में कितनी बार सुइयां संपाती होती हैं, 12 घंटे में कितनी बार सुइयां 90 अंश का कोण बनाती हैं, वो मैं बताऊंगा अभी इसी के बाद जस्ट। तो आप वेट करिए, और एक से एक आज जो है कैलेंडर में एक से एक प्रश्न आपको दिए जाएंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, महामयाधन चल रही है, आराम से नाश्ता पानी करते रहिए, पढ़ते रहिए, नाश्ता पानी करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए अगला हम देखते हैं कि संपाति के अलावा अगला देखते हैं कि विपरीत वाला। जैसे जैसे 2 और 3 बजे के बीच में, 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी, 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी। तो चलिए विपरीत के लिए मतलब क्या हुआ, हमको थीटा का मान कितना दिए हैं, 180 डिग्री दिए हैं। तो हमको पता है कि 2/11 2 × 30 माइनस थीटा यानी कि 180, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/11 30 × 60 माइनस 180, प्लस माइनस 180 है तो प्लस 180, और एक माइनस 180 करेंगे तो माइनस कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, अर्थात 2/11 और ये हो जाएगा 240, तो 240 × 24 × 4 × 8 2 × 4 480/11 11 × 44 40 और 11 × 33 7/11 यानी कि 2 सही 2/43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी, विपरीत होंगी। माइनस अगर हम यहां पे रखेंगे, अगर यहां पे माइनस रखेंगे तो हम देख रहे हैं मेरा मान माइनस में आने लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर मान माइनस में आ जाए या इसका मान 60 से बड़ा आ जाए तो जान लीजिएगा कि वो मान नहीं लिखा जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसी नियम पर आधारित एक प्रश्न और देखते हैं। वो प्रश्न आपका है कि 8 और 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी। तो चलिए हम देखते हैं 2/11 30 × 8 प्लस माइनस 180। तो अब देखिए अगर हम इसको देखें तो 2/11 8 × 24 240 और प्लस 180, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा
जीरो जीरो तो 18 8 4 दो चीज बनेगा आपका ना, एक तो ये बनेगा आपका, एक बनेगा 2/11 240 - 180। तो इसको जब आप जोड़ेंगे, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 8 4 2 8 240 / 11 / 2 2 4 2 8 440 / 11 तो ये मान नहीं लिया जाएगा। दो चीज, अगर 60 से ज्यादा आएगा तब भी नहीं लेंगे, अगर माइनस में आएगा तब भी नहीं लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/11 इसको जब घटाएंगे तो 8 4 14 यानी कि 60, तो 6 2 12 120 / 11 11 10 110 10 सही 10/11। इसका मतलब ये हुआ कि 8:10 / 10 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो ये हमने बताया दूसरा नियम जो कि आपका था क्या, विपरीत पर। फिर अगला है समकोण, समकोण पर। तो समकोण की अगर बात की जाए तो जैसे अगर हम बात करें कि 5 और 6 बजे के बीच में, 5 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां समकोण कब होंगी, दोनों सुइयां समकोण कब होंगी। तो समकोण की अगर बात की जाए तो देखिएगा 2/11 5 × 5 × 30 ± 90। तो 2/11 5 × 15 = 150 ± 90। तो 150 में अगर 90 जोड़ देंगे तो 9 × 5 = 240 240 × 480। तो 480/11 एक मान ये आ जाएगा, और दूसरा मान जब आप घटाएंगे तो 9 × 6 = 15 60 × 120 / 11 11 × 11 और 10 सही 10/11 आ जाएगा। यहां पे जब करेंगे 11 × 4 = 44 और 11 × 3 = 33 33 और 7/11 अर्थात 5:43 / 7/11 और 5:10 / 10/11 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण जो होगा वो समकोण होगा। समकोण का मतलब θ = 90। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि एक घंटे में जो 90 अंश है वो दो बार बनेगा। एक घंटे में 90 अंश दो बार बनता है। जैसे कोई और टाइम आप ले लीजिए, कौन सा टाइम ले, 2 और 3 बजे मैं ले लेता हूं। तो 2 और 3 बजे लेंगे तो 2/11 2 × 30 + −90। तो 2/11 30 × 60 + −90। तो अब यहां पे जब करेंगे तो 2/11 9 × 6 = 15 तो 150, और दूसरा मान जो आपका आएगा 60 - 90 अर्थात माइनस में आ जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। तो 150 × 300/11 तो 11 × 2 = 22 80 और 11 × 7 = 77 3 80 तो हो जाएगा 2:27 / 3/11 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। तो ये था आपका प्रश्न। आगे देखिए जो अगला प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न जो बनता है कि संपाती जो है मतलब कि 12 घंटे में 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। तो उसके लिए हम देखिए देखते हैं घड़ी से देखते हैं। आप समझिएगा 0 अंश का कोण का क्या मतलब हुआ। आपको दिख रही होगी घड़ी, हमारी खुली घड़ी है। इस समय दोनों के बीच का कोण 0 अंश है, सभी लोग देख रहे हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि कितनी बार, अब यहां पर नहीं अर्थात 9 बजे के बाद देखिए। अब चलिए हम 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, ठीक 9 बजे शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कब मिलती है ये दोनों। मिली दोनों 9 और 10 बजे के बीच में एक बार मिली, फिर देखिए 10 और 11 बजे के बीच में एक बार मिली, फिर देखिए
क्या 11 और 12 बजे के बाद मिली? नहीं मिली भाई। हम देख रहे हैं ये दोनों घड़ी यहां पर थी, यही था हमारा ना, 10 बज गया था हमारा। अब 10 बजे की बात चल रही है यानी कि 11 बजा है मेरा, हम देख रहे हैं कि 11 बजे मिलती है कि नहीं। 11 बजे बाद दोनों घड़ियां एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार है, एक दूसरे का पीछा कर रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, अभी तक नहीं मिली। लेकिन जैसे मिली हम देख रहे हैं कि हमारी घड़ी में 12 बज गया, हमारी घड़ी में 12 बज गया, मतलब 11 बजे घड़ी नहीं मिली। फिर चलिए हम चलते हैं, अच्छा 12 बजे चलते हैं, 12 से 1 के बीच में चलेंगे तो फिर देखिए हमको जब मिलेगी तो 1 बज रहा है, 1:05, 1 बजे मिली। तो इसका मतलब इसी प्रकार ये प्रक्रिया चालू रहेगी, इसी प्रकार ये प्रक्रिया चालू रहेगी तो हर घंटे में मिलेगी एक बार, लेकिन 11 बजे नहीं मिलेगी। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं कि 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां संपाती होती है। वही अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में कितनी बार होगी? तो 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार होगी। कहीं किसी को समस्या, अगर समस्या हो तो बताइएगा। या फिर एक चीज और हम अगर निकालें यहीं से, तो 12 घंटे का मतलब क्या हुआ कि एक बार संपाति होगी 12/11 घंटे में। तो एक बार संपाति कब होगी? 12 × 60/11 मिनट, 12×72 720/11, 11×66 ठीक, 11×66 660, 11×55 560, तो यानी कि 65 सही 5/11 मिनट में घड़ी जो है संपाती होती है। प्रत्येक, ध्यान समझिएगा, प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट में घड़ी की सुई एक बार संपाती होती है। ठीक, अगर प्रश्न बन जाए कि एक घड़ी 2 और 3 बजे के बीच में संपाती हुई है तो कितनी देर बाद वो संपाती होगी? तो याद रखिएगा 65 सही 5/11 मिनट के बाद दोनों घड़ी सुइयां फिर से संपाती हो जाएंगी। चलिए अगर हम विपरीत की बात की जा रहा था, दोनों के बीच का कोण 180 अंश किया जाए, तो चलिए हम देखते हैं कि दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 अंश कब बनेगा। ठीक, चलिए देख रहे होंगे अभी 12 बज रहा है, 12 बजे से हम स्टार्ट करते हैं, अर्थात 12:35 पर एक बार दोनों सुई एक दूसरे के सम्मुख अर्थात 180 अंश का कोण बना। फिर 1 बजे चलते हैं, 1 बजे भी देख रहे हैं हम कि 1:40 पर दोनों के बीच का कोण 180 अंश बना। फिर 2 बजे चलते हैं, हम देख रहे हैं कि 2:45-47 के आसपास बन रहा है। फिर 3 बजे चलते हैं, देख रहे हैं कि 3:50 पे बन रहा है। फिर 4 बजे चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि 4:55 पे आपका बन रहा है। फिर 5 बजे चलते हैं, देखिए क्या हुआ, आप समझ नहीं पाए, 5 बज गया, दोनों सुइयां एक दूसरे का पीछा कर रही हैं, लेकिन जब दोनों के बीच का कोण 180 अंश बना तो 5 नहीं बज रहा, कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 12 घंटे में कितनी बार मिलेगी? 12 घंटे में विपरीत जो मिलेगी वो कितनी बार मिलेगी? 11 बार मिलेगी। इसी तरह 24 घंटे की बात की जाएगी तो 22 बार मिलेगी, और ये भी प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी? विपरीत होंगी। प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी? विपरीत होंगी। उसी प्रकार अगर हम 90 अंश की बात करें, 90 अंश की बात करें तो आइए देखते हैं 90 अंश पे क्या स्थिति बनती है। यही है हमारा, 6 बज रहा है अभी,
छह बज रहा, चलिए देखते हैं 90 अंश कब बनता है। तो एक बार जान लीजिए 90 अंश बन गया है यहाँ पे, ठीक, एक बार 90 अंश बना, फिर एक बार 90 अंश बना, अर्थात हम क्या देख रहे हैं, एक घंटे में दो बार 90 अंश बन रहा है। फिर चलिए 7 बजे चले तो एक बार बना, फिर एक बार बना, फिर 8 बजे चलते हैं एक बार बना, फिर एक बार बना, फिर 9 बजे चलते हैं तो 9 बजे देखिए एक बार बना, फिर आगे चलते हैं एक बार बना, अर्थात दो हो गया। 10 बजे एक बार बना, फिर एक बार बना, ठीक। 11 बजे एक बार बना, फिर एक बार बना। 12 बजे देखते हैं एक बार बना, फिर एक बार बना, ठीक। फिर 1 बजे देखते हैं एक बार बना, फिर देखिए दो बार बना। फिर 2 बजे देखते हैं तो एक बार बना, फिर दो बार बना। 3 बजे देखते हैं एक बार बना, फिर दो बार बना। अब देखिए समझ लीजिए, 3 बजे क्या हुआ भाई, 3:15 हो रहा है, एक बार यहां पे बन गया, बन गया। फिर देखिए दोबारा जब आपका चल रहा है तो यहां पर आपका क्या बन गया, 4 बज गया। कितना बज गया, 4 बज गया। फिर आगे चलते हैं, 4 बजे ये दोबारा बन गया आपका, मतलब आपकी एक की कमी हो गई, मतलब कि एक बार केवल एक ही बार बजा, ठीक। तो इस तरह आप देखेंगे दो बार, 5 और 6 बजे के बाद भी एक ही बार बनेगा, अर्थात समकोण की बात करेंगे तो समकोण जो होगा आपका 12 घंटे में 22 बार बनेगा, 12 घंटे में 22 बार आपका समकोण बनेगा। एक घंटे में दो बार बनता है लेकिन बीच में एक बार नहीं बनेगा, इसलिए 12 घंटे में 22 बार बनेगा। तो ये तो आपका था कि समकोण कब बनता है उस पर ये सभी, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगला जो है टाइप 3, किसी को भी उलझाना हो आप एक प्रश्न दे देंगे, वो बेचारा परेशान रहेगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा, गारंटी करता हूं। टाइप 3 में ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि आप परेशान हो जाएंगे और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम प्रश्न अगर ले लें, कह दें कि एक व्यक्ति जो है एक घड़ी पहना है, एक व्यक्ति एक घड़ी पहना है जो 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 5 मिनट तेज चलती है, जो 5 मिनट तेज चलती है। एक व्यक्ति एक घड़ी पहना है जो 5 मिनट तेज चलती है, वह रविवार सुबह नौ बजे घड़ी को सेट करता है, रविवार सुबह 9 बजे घड़ी को सेट करता है, तो वह घड़ी पुनः वही समय कब दिखाएगी। दो चीज है, सही समय है और वही समय है, दोनों में बहुत फर्क है। वही समय का मतलब यह है कि अगर 6 बज रहा है तो 6 कब बजेगा, और सही समय का मतलब है कि अगर सुबह का 6 बज रहा है तो सुबह का 6 कब बजेगा। तो सुबह का 6 तो नहीं बजेगा, लेकिन वही समय जरूर बजेगा कि 6 बज रहा, अभी घड़ी में हमारे मान लीजिए 9:45 हो रहा है, 11:45 हो रहा है, तो जब दूसरी घड़ी जो होगी, अर्थात जो ये खराब वाली घड़ी होगी, इसमें भी 9:45 ही होगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि अगर हमारे में सुबह का 9:45 होगा तो इसमें शाम का 9:45 होगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि कैसे सही होती है घड़ी। ये बताइए कि सुबह का 9 बज रहा है और सुबह के 9 बजे हमने घड़ी को सेट कर दिया, ठीक। घड़ी चलेगी तो 5 मिनट तेज चलती है, घड़ी क्या हो रही है, 5 मिनट तेज चल रही है, मतलब कि 1 मिनट की जगह 5 मिनट चल रही है, फिर अगले 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में वो 5 मिनट तेज हो रही है, एक घंटे में 5 मिनट तेज हो रही है, 2 घंटे में 10 मिनट, 3 घंटे में 15 मिनट, 4 घंटे में 20 मिनट, 5 घंटे में 25 मिनट, 6 घंटे में 30 मिनट, 7 घंटे में 35 मिनट,
8 घंटे में 40 मिनट, 9 घंटे में 45 मिनट, 10 घंटे में 50 मिनट, 11 घंटे में 55 मिनट, 12 घंटे में 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। 12 घंटे में 1 घंटा घड़ी आगे हो जा रही है, 12 घंटे में 1 घंटा घड़ी आगे हो जा रही है, तो हमको करना क्या है, घड़ी को कितना आगे करना है, हमको घड़ी को 12 घंटे आगे करना है। भाई जब 12 घंटे आगे करेंगे तभी तो हमारी घड़ी सही हो जाएगी। सही होने का मतलब ये है कि जैसे इसमें सुबह का 9 बज रहा है तो हमारे में शाम का 9 बज रहा है, मतलब 12 घंटे का डिफरेंस हो रहा है ना, 12 घंटे का डिफरेंस हो रहा है, तो यही 12 घंटे का डिफरेंस हमको कवर करना है। तो 12 घंटे का डिफरेंस कवर करेंगे तो इसीलिए हम जो है 12 घंटे का डिफरेंस कवर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 12 घंटे में 1 घंटे कवर हो रही है, 12 घंटे में 1 घंटे चल रही है, तो 12 घंटे कब चलेगी, तो 12 ब्रह्म में 144 घंटा, अर्थात 144 घंटे के बाद, 144 घंटे के बाद जो घड़ी है वो पुनः वही समय दिखाएगी जितना आपकी सही घड़ी में हो रहा होगा। तो 144 घंटे बाद का मतलब क्या हुआ कि 144 बटे आप जो है 24 से भाग दे दीजिए, 24 से भाग दे देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितने, तो 24 गुना तो काट दीजिए, 4×6=24, 4×3=12, 4×6=24, 36×6=36, अर्थात 6 दिन बाद वह घड़ी फिर से वही समय दिखाएगी। कहीं भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। एक प्रश्न मैं और बताता हूं आपको, वो प्रश्न आप किसी को भी दे देंगे वो सॉल्व नहीं कर सकता, गारंटी। प्रश्न देखिएगा, एक घड़ी प्रतिदिन 4 मिनट तेज हो जाती है, एक घड़ी प्रतिदिन 4 मिनट तेज हो जाती है, एक घड़ी प्रतिदिन 4 मिनट तेज हो जाती है, इसे सोमवार सुबह 10 बजे सेट किया गया, तो वह पुनः यही समय कब दिखाएगी, पुनः सही समय कब दिखाएगी। तो चलिए हम देखते हैं पुनः सही समय कब दिखाएगी। हम क्या देख रहे हैं, हमारी घड़ी एक दिन में 4 मिनट तेज हो जाती है, तो एक दिन में 4 मिनट तेज हो जाती है, और सही समय दिखाने के लिए आपको 12 घंटे का समय तय करना है। 12 घंटे का मतलब ये हुआ कि 12×7 तो 12×6=72, 720। तो इसकी ट्रिक आप याद रखिए कि 720 बटे मिनट, बस 720 बटे मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 720 कहां से आया समझ में आया, चूंकि 12 घंटे बाद वो घड़ी जो है सही हो जाएगी, मतलब वही समय दिखाएगी। 12 घंटे का मतलब 12×60 अर्थात 720, और बटे मिनट का मतलब जितना मिनट वो तेज या धीमी हो रही है, तो 4 मिनट तेज हो रही है तो 720 बटे 4, तो 4×9=4, 3×7=4×8=32, 180 दिन, मतलब कि 180 दिन बाद वो घड़ी क्या हो जाएगी, सही समय दिखाएगी। 180 दिन बाद वो घड़ी क्या करेगी, सही समय दिखाएगी। जैसे इसी नियम से एक प्रश्न और देखिए, कह रहा है कि सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन 2 मिनट तेज हो जाती है। समझिएगा, आपको ये ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, 720 बटे मिनट वाली। कह रहा है, समझिएगा, कह रहा है सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन 2 मिनट तेज हो जाती है, जबकि मोहन की घड़ी प्रत्येक दिन
दो मिनट प्रत्येक दिन दो मिनट पीछे हो जाती है, ठीक, पीछे हो जाती है। तो यदि उसे रविवार दोपहर 12 बजे सेट कर दिया गया तो दोनों में कितने दिन बाद पुनः एक समय दिखाया जाएगा, दोनों घड़ी में कितने दिन बाद एक समय दिखाया जाएगा। आप समझिएगा, जो मोहन की घड़ी है वो दो मिनट तेज है, मतलब दो मिनट तेज है, और जो सोहन की घड़ी है वो दो मिनट पीछे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो दो मिनट तेज है और दूसरा दो मिनट पीछे है। इसका मतलब कि घड़ी का जो अनबैलेंस टाइम है वो कितने का है, वो 4 मिनट का है, और 4 मिनट का है तो कुछ नहीं करना, 720/4 केवल आप गैप देख लीजिए कितने का है, 4 मिनट का गैप है तो 720/4, तो 720/4 का मतलब 4×4 वही चीज आएगा आपका 183, यही आ जाएगा आंसर। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप किसी को भी जो ज्यादा हवा फेंक रहा हो उसको आप दे दीजिएगा, अगर वो सॉल्व कर देगा तो मैं गारंटी करता हूं कि पहली चीज तो जब आप उसको देंगे ना तो 3-4 दिन आपसे पूछेगा नहीं कुछ। जो आपसे ज्यादा कुछ पूछता हो उसको केवल ही एक सवाल दे दीजिएगा, बस मैं बताता हूं कौन सा सवाल है वो आपका। देखिए, एक घड़ी समान दर से तेज हो रही है, एक घड़ी समान दर से तेज हो रही है, दोपहर 12 बजे वह 2 मिनट पीछे थी, जबकि अगले सोमवार दोपहर 2 बजे वह 4:48 आगे थी, तब इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, तब इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। ठीक, तो हेलो मुकेश आशीष, यही प्रश्न है, आप इसको दे दीजिएगा, किसी को भी दे दीजिएगा, अगर वो सॉल्व कर लेगा तो जान जाइएगा कि हाँ उसको जो है घड़ी में आता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या कह रहा है कि एक घड़ी समान दर से तेज हो रही है, दोपहर 12 बजे 2 मिनट पीछे थी, दोपहर 12 बजे वह 2 मिनट पीछे थी, जबकि अगले सोमवार, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया है शायद, पूरा प्रश्न नहीं लिखा क्या, सोमवार दोपहर 12 बजे वह 2 मिनट पीछे थी, जबकि अगले सोमवार 2 बजे वह 4:48 आगे थी। तो चलिए हम देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 12 बजे वह 2 मिनट पीछे थी, पहले वह 2 मिनट पीछे थी, फिर हुआ क्या, 4:48 आगे हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मिनट + 4 मिनट अर्थात 6:48 उस घड़ी के बीच का जो गैप हुआ वो 6:48 का हुआ। तो इसको आप सेकेंड में बदल दीजिए, तो 6 × 60 + 48 = 36, 360 + 48 तो 450 यानी कि 408 सेकेंड। इसका मतलब वो घड़ी जो है वो 408 सेकेंड के अंतराल पर चल रही है। अब देखिए कितने दिन में, अर्थात ये 408 सेकेंड का जो गैप बना वो कितने दिन में बना, तो हम देख रहे हैं कि 7 दिन में आपका गैप बन रहा है, 7 दिन में 408 सेकेंड का गैप बन रहा है। और हमको कवर क्या करना है, हमको कवर करना है कितना समय, हमको कवर करना है, कह रहा है कि 7 दिन में, चूंकि हम देख क्या रहे हैं,
कि जबकि अगले सोमवार दोपहर 2 बजे, दो चीज है दोपहर 2 बजे और सेट किया है 12 बजे, इसका मतलब क्या हुआ, 7 दिन 7 दिन 2 घंटे, 7 दिन 2 घंटे में 408 सेकेंड जो है घड़ी क्या हुई है, आगे हुई है। ठीक, तो कह रहा है सही समय कब दिखाएगा, सही समय दिखाने के लिए जो ये हमारी 2 मिनट पीछे थी, अगर यही 2 मिनट कवर हो जाएगी, 2 मिनट पीछे थी, अगर यही 2 मिनट आगे आ जाएगी, मतलब 2 मिनट जब आएगी आगे तो कवर हो जाएगी, 2 मिनट इसको कवर करने में, 2 मिनट इसको कवर करने में कितना समय लगा, तो 2 मिनट का मतलब क्या हुआ, 6 × 12 = 120 सेकेंड। हम देख रहे हैं कि 408 सेकेंड पूरा करने के लिए उसे इतना समय लगा था, 7 दिन का मतलब इसको अगर घंटे में बदल दीजिए तो 7 × 24 + 2 तो 7 × 28 क्या 8 सेकेंड, 7 × 14 = 16, 168 + 2 यानी 170 घंटे, 170 घंटे में 408 सेकंड पूरा कर रही है, तो 120 सेकंड कितने समय में पूरा करेगी, तो 170/408 × 120। तो चलिए काटिए इसको, तो 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 30, उसके बाद 15, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 2, 17 × 9 = 17, 17 × 3 = 51, 3 × 5 = 15, 10 × 10 = 50। इसका मतलब ये हुआ कि 50 घंटे बाद जो है वो घड़ी सही समय दिखाएगी। तो 50 घंटे का मतलब ये हुआ कि दोपहर 12 बजे, सोमवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार दोपहर 12 बजे 24 घंटा, मंगलवार दोपहर 12 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे 48 घंटा और 2 घंटा और, तो 12 के बाद 1, 2, इसका मतलब बुधवार दोपहर 2 बजे घड़ी जो है सही समय दिखाएगी। कोई अगर ज्यादा हांक रहा हो तो यही प्रश्न दे दीजिएगा, गारंटी करता हूं कि 4-5 दिन आपको मुंह नहीं दिखाएगा। तो ये था आपका क्लॉक, पूरी तरीके से समाप्त हुआ। कहीं भी समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं परेशान हुआ, आपके लिए मुझे गर्मी लगी, आपके लिए मैंने इतना कुछ किया, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ जरूर करें। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में जो कि आपका रहेगा कैलेंडर, तो नए टॉपिक से नई क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।